के बाद 22 तक है, ये 23 तक बढ़ा दिया गया था, 22 तक था, अब 23 तक कर दिया। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि हमारे जिन विषयों से कमियां हो रही हैं या हमारे सारे विषय कमजोर पड़ रहे हैं, वो सब मूल विषय हमारे हिंदी और गणित लिया गया। हिंदी गणित के और उनके हमारे जो लक्ष्य हैं वो भी निर्धारित किए गए प्रत्येक कक्षा भाव। अब हमारे शिक्षक को उतनी गुणवत्ता हमारे बच्चों में लानी है। हम लोग तो उसके साधन है, लेकिन हमारी मूल जड़ में हमारा शिक्षक है और हमारे ये आदमी बंधु ही किसी न किसी स्कूल से जुड़े हैं, तो उनको उसी इन सभी प्रयासों से उन्होंने जोड़ा है सबको। एसआरटी जुड़े हैं, एआरपी जुड़े हैं, डायट मेंटर्स जुड़े हैं, तो आप लोगों को उनसे ये सारी गुणवत्ता की अपेक्षाएं पूरी करानी है। इसके लिए उन्होंने 3 मॉड्यूल निकाले थे, आधारशिला, शिक्षण संग्रह और धनकट। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये किस किस के लिए थे, ये आप प्रश्न की बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे सारे यात्री जब हमारे शिक्षकों को बता रहे हैं सब कुछ तो उन्हें मालूम होगा। लेकिन मूल बात यह है, यही विषय हिंदी विषय और गणित विषय ही क्यों चुना गया, उन्होंने क्यों चुना, इसके बारे में कोई यात्री बंधु हमारा खड़ा होकर बताए ये विषय क्यों चुने गए। जो बच्चे बोलते हों वो जरूरी है, और भाषा से ही उसी से ही हमारे सारे सब्जेक्ट भी निकलते हैं, गणित भी वहीं से निकलना शुरू होता है। जब से बच्चा पैदा होता है तो एक दो और ये सारे अंक अपने आप निकलते हैं। बताइए कोई भाषा बोलिए, कोई सेंटेंस बोलिए जिसमें गणित ना आता, कोई सेंटेंस आपके पास है जो पूरा हो और जिसमें संख्या ना आती हो। और इसीलिए गणित को भी मूलभूत पूरी सुविधाओं में रखा गया, और ये विषय जब स्ट्रांग होंगे तो सारे विषय बच्चे को आएंगे। आप कोई भी अपना विषय कोई भी सेंटेंस बोल के देखिए और उसमें गणित का कुछ संख्या या अपने आप उसमें दर्शित होगी, कोई भी बोलिए उसमें आएगा। इसलिए गणित और हिंदी तो ऐसी भाषा है या हमारी मातृभाषा ऐसी भाषा है जिसको हम बच्चों को धारा प्रवाह नहीं बोल पाएंगे, अटक अटक के बोल के पढ़ेंगे तो वो सेंटेंस बच्चा समझ ही नहीं पाए, समझ नहीं पाएगा और उस बात को ये समझ नहीं पाएगा क्या बोला जा रहा है, उसका वो भाव ही नहीं लगा पाए। इसीलिए हमारे दोनों सब्जेक्ट उन्होंने इसमें रखे और हमारी बेसिक शिक्षा में इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए सब कुमार। तो इसी के तहत ये कोविड शुरू हो गया और ये काम चली रहा था, तो उन्होंने फेस पर फेस टू भी पाठशाला शुरू की। ऐसी पेंडेमिक स्थिति में उन्होंने हमारे शिक्षकों को बिजी रखा और कुछ उनको सोचने के लिए उन्होंने कोई ना कोई योजना को बनाते रहे। तो हमारे दायित्व में कि हम शिक्षक लोग और हमारी शिक्षिकाएं, विद्या की अगर देवी और देवता है तो यही लोग, जिस तरह से अभी हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने बताया कि शिक्षक और बाप बेटे बच्चे का वो ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने पुत्र को और शिष्य को पढ़ने में द्वेष नहीं करते। ठीक इसी भाव से आप लोग जमीन पर अपने इन गुणों को प्रसारित करते रहिए, और आप लोगों ने अभी अपने विकास खंड की अभी आख्या प्रस्तुत की, उससे तो हमारा जिला 10 में एक है, तो मैं कहता हूं कि हमारा जिला बहुत अच्छा बना रहे। लेकिन अब वास्तविक स्थितियां अभी हम वर्चुअल से जब एक्चुअल में जाएंगे तब पता चलेगा।
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो हमारे जो प्रेरणा साथी केस फाइव जो चल रहा है उसको चुनने की बात आ रही है, नहीं तो मिल रहे हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 200 स्टूडेंट अभी चौथे सेमेस्टर को पार या उसमें आएंगे तो उनको एक महीने के लिए उस पर भेजेंगे, इंटर्नशिप पर भेजेंगे, ठीक है। तो आपको और मैं उनको पूरे विद्यालय के और उन्हीं टीचरों को काम कराना है जिन स्कूल में हम भेजेंगे उनमें वो लोग काम करेंगे। तो आपको प्रेरणा साथी वाली एक कड़ी और मिल जाएगी। अब हो सकता है प्रेरणा साथी ये हमारा पूरा हो या ये होते हमारा ऑफलाइन स्कूल हो जाएगा, फिर तो समस्या ही दूर हो जाएगी और ये महामारी आई है वो जरूर दूर होगी और कोई भी चीज आती है तो जाती जरूर है। उसका ये क्रम लगा है उदय होगी व्यय भी होगी, निश्चित बात है। तो ऐसे समय में हम अपने को बचाव रखते हुए, बच्चों का बचाव रखते हुए और ये सब काम करें। अच्छा।